हाय नमस्ते, वेलकम बैक व्यूज, वेलकम बैक टू माय चैनल विंग चेला। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आपको लॉस हुआ है, तो भले लॉसेस 10,000 का हो, 20,000 का हो, 50,000 का, 50 लाख का, तो लॉसेस यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से कैसे रिकवर किया जा सकता है, यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर विंग चेला की टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर थ्रू आपको कैसे रिकवर किया जा सकता है, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदेमंद रहा है, वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। उसी के अलावा आपको यानी कि हर वीडियो में आपने ऐसा देखा होगा यानी कि लॉसेस मैंने इतना रिकवर किया है, वो किया है, ऐसा लॉसेस इतना जल्दी आसानी से हम रिकवर नहीं कर सकते, पर उसमें धीमे धीमे टाइम लगेगा, पर उसमें से ऐसा स्ट्रैटेजी आप डेवलप कर सकते हो आपको यानी कि आपका कैपिटल आपको बचा के आपको यानी कि आपका प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, यानी कि आपको कैपिटल लॉस यानी कि लॉस जाने के बजाय आपको प्रॉफिट धीमे 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 आपको बढ़ा के यानी कि ऊपर तक लेके जा सकते हो। ओके, तो इसमें कैसे आप यानी कि लॉसेस कम कर सकते हैं, ऐसे सिस्टमैटिक तरीका आपको कैसे बना सकते हैं यानी कि लॉस कम करके आपको कैपिटल बढ़ा के आपको आसानी से एक परफेक्ट जो ट्रेडिंग प्लान यानी कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट ट्रेडिंग से ये कैसे कमा सकते हो, आज के लाइव सेक्शन में मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें से आपको यानी कि ये मैं आपको लाइव में खुद चेक करके खुद उसके यानी कि लाइव में चेक करके आपको पूरा भरोसा है ये, उसके बाद ही आपको इसमें परचेज करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रही है। तो लाइन में आपको हमारा स्ट्रैटेजी, हमारा एक स्ट्रैटेजी नहीं है, 8 स्ट्रैटेजी है। ये 8 स्ट्रैटेजी हम एक ही दिन से डेवलप नहीं किया गया है, क्योंकि हम यानी कि 2009 से जब शुरुआत हमारे विंटर ने किए थे, तब से लेकर अभी तक यानी कि एक एक स्टेप करके हमने डेवलप करके यही वर्षन तक हम पहुँची है। तो इसमें हम 2 स्कैनर भी इसके साथ आपको मिलेगा। स्कैनर क्या होता है, आपको अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो तो आपको स्कैनर वॉल्यूम स्टॉक आपको पहचानने में थोड़ा मदद करेगा। तो सबसे पहले मैं अभी इंटर का आपको लेटेस्ट वर्जन दिखाऊंगी, उसके पहले मैं आपको हमारा सॉफ्टवेयर इंटर का लाइव डेमो यानी कि लाइव डेमो में मैं आपको इनवाइट करी, यानी कि डेमो खुद आप चेक कीजिए कैसे हमारा इंटर यूज़ करते हैं और किस तरीके से आपको इसमें से ट्रेडिंग किया जा सकता है। उसके अलावा मैं पीछे का परफॉर्मेंस भी मैं आपको यानी कि लॉस हुआ है तो भी कहाँ पर हुआ है, कैसे हुआ है, जैसे कि आज के एग्जाम्पल आज की निफ्टी देखूंगी तो ज़्यादा इसमें से कल की जितना, कल एक्सपायरी था, कल की जितना प्रॉफिट नहीं मिला है, पर फिर भी इसमें से यानी कि प्रॉफिट हमें कमा सकते थे। और उसी के अलावा बैंक निफ्टी भी देखूंगी तो भी बैंक निफ्टी में आज डाउन ट्रेंड थे, पर इसमें काफ़ी कंसोलिडेशन है, मार्केट में वॉल्यूम नहीं था इस तरीके से, यानी कि वॉल्यूम नहीं मार्केट, मार्केट में अगर कंसोलिडेशन है तो आपको ये स्ट्रैटेजी से कैसे आपको इसमें से प्रॉफिट कमाया जा सकता है वो भी हम चेक करेंगे। साथ तो साथ अगर आप लॉस हुआ है तो भी कौन से पॉइंट में लॉस हुआ है, और इसमें से अगर सिग्नल कन्फर्म होने के बाद भी रिवर्स जा सकते हैं तो ये पहचानने का कैसे, ये सब हम खुद लाइव में चेक करके ही बता सकते हैं। वो लाइव सेक्शन के लिए आप मुझे कॉल करना होगा, डेमो हमारा लेना होगा, हमारा वेबसाइट का डेमो फिलअप करना होगा, ये नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे सारा जानकारी का आंसर आपको मिलेगा। ओके, तो इसमें से हमारी सॉफ्टवेयर को यानी कि 2009 से लेकर अभी तक यानी कि हमारे साथ ऑलरेडी 15,000 के ऊपर क्लाइंट्स जुड़ चुके हैं, तो उसमें से मोस्ट ऑफ द क्लाइंट को यानी कि प्रॉफिट मिलते हैं, तो उसमें से यानी कि आसानी से उन लोग प्रॉफिट कमाते भी हैं। और स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल तरीके से बनाया गया है, इसमें से आपको आसानी से रिवर्सल पॉइंट भी परफेक्ट एंट्री सब लोग कर पाते, पर इसमें से एग्जिट कैसे करना है वो यानी कि मेजर जो 90% लोगों को तो मालूम नहीं होता, वो हमारे सॉफ्टवेयर में परफेक्टली आपको दिखाएगा। सबसे पहले मैं आपको आज की बैंक निफ्टी से ही शुरुआत करते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए तो ये ग्रीन कलर पर बाइक की सिग्नल, रेड कलर सेल की सिग्नल है, ये दोनों ऑटोमेटिक सिग्नल हमारे सॉफ्टवेयर इंचेर में अलर्ट यानी कि बेल साउंड इफेक्ट के साथ आपको अलर्ट मैसेज में देगा, साथ में लेटेस्ट सिग्नल का जो भी डिटेल्स होता है आपको ऊपर और नीचे मिलेगा। इसमें लेटेस्ट सिग्नल बाई दिया है, वो भी 2:49 में दिया था, उसकी एंट्री पॉइंट ऊपर दिया है, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड, थर्ड टारगेट और स्टॉप लॉस, सारा जानकारी आपको सामने से ही इसमें मिल रही है, यानी कि एंट्री दिया है और एक्सिट दिया है, टारगेट स्टॉप लॉस, पर इसमें से यानी कि आपको एंट्री पॉइंट कैसे पता चली यानी कि कहाँ से एंट्री लो, सीधा सिग्नल लेके एंट्री करना ऐसा नहीं होता है हमारे सॉफ्टवेयर में। सिग्नल अगर दिया है तो उसका कंफर्मेशन लेवल भी सॉफ्टवेयर दिया है, वो चक्कर वो हम चेक करना पड़ता है लाइव में, वो चेक करने के बाद ही हम यहाँ से आपको ट्रेड ले सकते हैं। अगर लाइव में अगर सिग्नल जब चल रही हो तो आपको चेक करने का यानी कि 3 कंफर्मेशन लेवल सॉफ्टवेयर देते हो। फर्स्ट कैंडल कलर,
अगर वो कैंडल कलर अगर सिग्नल ग्रीन कलर दिया है, पारो दिया है, तो सेम ग्रीन कलर भी वहाँ पे कैंडल कलर बनना चाहिए। वो फर्स्ट लेवल कन्फर्मेशन और सेकंड नीचे का कन्फर्मेशन बार वो भी सेम सिग्नल कलर बनना चाहिए। और तीसरा प्राइस इन बाई सॉन्ग, अगर तीनों कन्फर्म्ड है तो नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेना। पर इसमें एग्जैक्ट कुछ कंडीशंस हैं, यानी कि आपको इनकेस गैप अब गैप डाउन ओपन होता है वो थोड़ा अलग चीज़ है। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ पीछे का परफॉर्मेंस लेकर। अगर समझिए निफ्टी का गैप अप मार्केट के साथ, अलग अलग मार्केट है, ये देखिए ये मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था निफ्टी में, तो मार्केट यहाँ से ओपनिंग हुआ था नीचे देखिए 29, 21 तो जुलाई, तो इसमें गैप डाउन के बाद मार्केट ओपन हो गए, सिग्नल भी कंफर्म थे क्योंकि रेड थे या नीचे भी रेड थे सेल्स ऑन, पर यहाँ पे हम एंट्री नहीं रहे। वो तो वहाँ पे हमारा लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इतना डाउन जाकर ओपन होता है, ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा पुल बैक लेने के बाद ही मार्केट अगर यहाँ से नीचे आना है तो आता है, तो इसके लिए सपोर्ट लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। अगर कभी कभी जो पोजीशन होता है वो सीधा मार्केट सीधा ऊपर भी जाता है। एग्जाम्पल मैं एक और चीज़ आपको बता दी, ये देखिए ये गैप अप के साथ ओपन होने के बाद भी सेम वही लेवल मार्केट पकड़ के सीधा ऊपर चढ़ गए थे। पर ये दोनों पोजिशन में डिफरेंस क्या है, दोनों पोजिशन में हम ये पता लग सकते हैं रेसिस्टेंस या सपोर्ट आपको वहाँ पे सॉफ्ट देगा। अगर रेसिस्टेंस आप सपोर्ट ब्रेक किया है तो क्वेश्चन सीधा ऊपर जा सकते हैं। उसी के अलावा हमारे सॉफ्टवेयर सिग्नल देने के बाद अगर इनकेस ये एक्स्ट्रा कलर, यानी कि यहाँ पे जो ब्लू कलर होलो कैंडल्स और साथ में आपको वाइट कलर ऐसे मिक्सअप कलर, यानी कि ग्रीन और रेड कलर के अलावा जो भी कलर सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको दिया है, तो वो कलर यानी कि साइडवेज हुई, यानी कि ना ही बाइस ऑन में हूँ ना ही सेल्स ऑन में, ये दोनों पोजिशन में नहीं दे रही हूँ, तो इसके लिए वहाँ से हम पोजिशन नहीं ले सकते, सॉफ्टवेयर वहाँ पर कंसोलिडेशन दे रही है। तो एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ पे देखिए आज के टाटा मोटर्स में देखिए कंटिन्यूसली बहुत बड़ा बाइक की हाइक देने के बाद बहुत देर तक साइडवेज दिया है, तो साइडवे देने के बाद फिर अगेन ऊपर चढ़ गया, तो यहाँ पे देखूंगी तो थोड़ा सा डाउन आया मार्केट पर, सॉफ्टवेयर वहाँ से कंफर्मेशन नहीं दिया, इसका मतलब ये होता है कंसोलिडेशन है, तो वहाँ पे हम कोई भी पोजीशन नहीं ले सकते, तो वही ये वहाँ पे सॉफ्टवेयर इशारा कर रहा है। तो उस तरीके से ट्रेडिंग हम अवॉइड कीजिए क्योंकि ज़्यादा लॉस जाने का चांस वहाँ पे सॉफ्टवेयर दे रही है, तो इसके लिए सॉफ्टवेयर वहाँ पे आपको इंडिकेशन दे रही है तो वहाँ पे वो पोजीशन रिस्की है तो आप ट्रेड ना लें, तो अगर ट्रेड लूँगी तो भी वहाँ से आपको लॉसेस जाने का चांस है। तो इस तरीके से मॉर्निंग मैसेज आपको करेक्टली फायदेमंद रहेगा, या आपको लॉस जाने के लिए यानी कि फेक ट्रेड के लिए यानी कि फेक ब्रेकआउट यानी कि आपको यानी कि उसमें से जाने के लिए आपको बचाएगा। उसके अलावा यहाँ पर दो रेंज बाउंड इंडिकेटर्स दे रही हूँ, ये ब्लू कलर और येल्लो कलर की डॉटेड लाइन, इसमें मार्केट की वॉल्यूम दिखाता है। एग्जाम्पल कल की मार्केट देखिए, इसके बीच ये कैंडल और इसके बीच गैप की फासला देख रही हो, आज भी देख रहे हो, आज वॉल्यूम नहीं था मार्केट में मॉर्निंग में, सेम कल की सेल कंटिन्यू जाने के बाद यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेवल तोड़ के थोड़ा नीचे आए थे, थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते थे, थोड़ा ऑब्वियसली मार्केट इतना वॉल्यूम नहीं था, फिर भी हम प्रॉफिट लिए थे। सॉफ्टवेयर ने देखूंगी तो कल की सेल के बाद नीचे कंफर्मेशन बार रेडी दे रही है, पटेजे से बाहर दिख रही है रेडी दे रही हूँ, तो यहाँ तक रेड दे तब तक उसके पहले एग्जिट का इंडिकेशन भी करेक्ट टाइम पे आपको दिया है, तो साइडवे यानी कि करेक्ट ये एक्स्ट्रा कलर दे रही है, तो साइडवे इंडिकेशन यानी कि इतना डाउन गया है तो वहाँ से रिवर्स होने के पहले से सॉफ्टवेयर वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रही है, तो वहाँ पे शायद वहाँ पे एक्सिट कर सकते हो आप, यानी कि रिवर्स जाने का चांस है वार्निंग मैसेज जैसा। ओके, तो इसके अलावा इनकेस अगर आप सिग्नल कंटिन्यू चल रही हो, तो कंटिन्यू लगातार HDFC बैंक से देखिए दो दिनों से यानी कि मार्केट डाउन में ही जा रही है, साथ में उसी के अलावा स्टॉक में देखूँ DLF लगातार दो दिनों से यानी कि मार्केट बाई में ही जा रही है, इस तरीके से यानी कि काफ़ी बड़ा प्रॉफिट आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम थ्रू आप ले सकते हैं। DLF में देखिए 15 मिनट के थ्रू आप बाई सिग्नल यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने दिया है, कब दिया है ऊपर दिख रही हो 26 को दिया है, आप भी मार्केट बाई में ही जा रहे हो, टोटल देखिए 27 पॉइंट्स का प्रॉफिट। तो अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रही हो तो इंट्राडे और पोजीशन यानी इस तरीके से कंटिन्यूएशन मार्केट को आप 15 मिनट्स के थ्रू हमारे सॉफ्टवेयर में पकड़ सकते हैं, काफी लार्ज यानी कि अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका भी आपको मिलेगा। तो उसी के अलावा मैं आप स्टॉक देखूंगी तो आज यानी कि गैप डाउन के साथ HDFC में ओपन होने के बाद भी सेम मार्केट वही डाउन चल रहा था, टोटल 18 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। उसी के अलावा सॉफ्टवेयर तीन टारगेट अगर नीचे दिया है तो तीनों भी अचीव होने के बाद भी री एंट्री भी देगा, तो ये सब लाइन में चेक करने के बाद मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा बताऊंगी कैसे वर्कआउट करता। अगर आपको देखना चाहते हो तो लाइन में मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको सीधा सीधा किस तरह वर्क करते हैं मैं बताऊंगी।
बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी आप आसानी से यूज़ किया जा सकता है। और साथ में आज की बजाज फिनांस देखिए तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में सेल दिया था, कल के सेल के कंटिन्यूएशन गए थे, थोड़ा सेल यानी कि नीचे जाने के बाद मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गए, तो ये साइड वे यानी कि आपको इंडिकेशन देगा वहाँ से रिवर्स हो सकते हैं, तो वो पॉइंट आपको एक्सिट कर सकते हैं। तो उसी के अलावा यानी कि टाटा पावर देखिए बहुत बढ़िया सिग्नल यानी कि बाइक की हाइक मिला है, तो यानी कि बहुत बड़ा सिग्नल देने के बाद विद इन 15 मिनट्स में कंफर्म हो गए, ब्रेकआउट भी दे के सीधा ऊपर चले गए। ऐसे यानी कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको हमारा सॉफ्टवेयर स्कैनर ये ऐसे स्कैनर आपको ढूंढ के देगा, यानी कि परफेक्ट जो ग्रीन कलर यहाँ पे 3 ग्रीन दे रहे तो परफेक्ट यानी कि बाई साइड है, स्ट्रांग बाय और स्ट्रांग सेल की यानी कि 3 ग्रीन होना चाहिए, ऐसे आपको इसमें से पकड़ सकते करेक्ट टाइम पे आपको इंडिफिकेशन हमारे सॉफ्टवेयर के आरओ कंफर्मेशन और कलर इंडिफिकेशन के साथ आपको इसमें से मिलेगा। तो और साथ साथ अलर्ट मैसेज यानी कि बेल साउंड इफेक्ट के साथ आपको अलर्ट मैसेज भी मिल जाएगा। तो देखूंगी तो आज की निफ्टी में भी सेम ऐसे ही था, मॉर्निंग में सेल थे, गैप डाउन के साथ ओपन किए थे, उसके बाद भी मार्केट सेम वही लेवल पकड़े थे पर मार्केट काफ़ी रेंज में चल रहा था। इतना लार्ज प्रॉफिट पर हमारे सॉफ्टवेयर ने करेक्ट इंडिफिकेशन दिया था, जो सेल्स ऑन यहाँ तक थे उसके बाद ही बाई गए थे। उसके अलावा बैंक निफ्टी और HDFC बैंक, टाटा मोटर्स और साथ में इन्फी देखिए आज सेम सेल सिग्नल मॉर्निंग में देने के बाद सपोर्ट तोड़ के नीचे गए थे। ये ऐसे ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल मॉर्निंग में जो देने वाला सिग्नल आपको स्टॉक मार्केट में भी हो तो स्कैनर थ्रू आप काफ़ी अच्छी तरह काफ़ी करेक्ट टाइम पर आप कर सकते हो। ओके, तो ये सब लाइव में आप खुद चेक करना चाहते हो तो कॉल कीजिएगा सीधा मुझे, व्हाट्सअप कीजिएगा मेरा नंबर पर।